नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सप्तमो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सप्तमो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है कज़ान फेडरल मेडिकल एंड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन प्रोसेस के बारे में। कज़ान फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इस करंट सिनारियो के अंदर अपने वहाँ पर एडमिशन के लिए फर्स्ट वेव का डिक्लेरेशन कर दिया है। इस फर्स्ट वेव के अंदर जितने भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है या तो फिर एग्ज़ाम से पहले जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन मोड पे रहेगा। तो उसका डेट डिक्लेयर हो चुका है, जिसके अंदर टोटली 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिया जाएगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश का। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो रहेगा वो ऑनलाइन बेस पे रहेगा। ऑनलाइन बेस पे जो एग्ज़ाम रहेगा उसके अंदर फर्स्ट जो एग्ज़ाम रहेगा 23rd को, 23rd ऑफ जून को जो एग्ज़ाम होगा वो है बायोलॉजी का एग्ज़ाम। उसके बाद जो सेकेंड एग्ज़ाम रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम लिया जाएगा करीबन 27 तारीख को, 27 जून को। और 1 जुलाई को जो है वो इंग्लिश का एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसके अंदर ऐसे राइटिंग और सब आपको आना ज़रूरी है। और उसके बाद एक 4th जुलाई को दूसरा एक डेट डिक्लेयर किया हुआ है, जिसके अंदर शायद आपका कोई पेपर मिस हो जाता है या फिर कोई स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है लेकिन पहले एग्ज़ाम नहीं दे पाया है, तो वो जनरल डे डिक्लेयर किया गया है। तो ये 4 दिन एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि फर्स्ट वेव के अंदर शामिल किया गया है। ये टोटली ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा, और इसका जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, हर एक प्रकार की संपूर्ण माहिती आपको हमारी वेबसाइट से भी मिल पाएगी, या तो फिर आप हमसे कॉल भी कर सकते हो और हमको मेल भी कर सकते हो, या तो ये यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके आप कमेंट भी कर सकते हो। और दोस्तों, अगर कज़ान फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो एक बात का आपको खास ध्यान रखना ज़रूरी है। 2020 से कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं कज़ान फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर, यानी कि यहाँ पे 2 टाइप का कोर्स लॉन्च होने जा रहा है। एक तो 6 ईयर का जो पुराना चल रहा है वो, और दूसरा जो है 5 ईयर्स का जो अभी लॉन्च हो रहा है इस साल से। लेकिन 5 ईयर्स के अंदर सीट का लिमिटेशन रहेगा, तो जो स्टूडेंट सबसे पहले एडमिशन लेगा उसको ही उसमें प्रायोरिटी दिया जाएगा। कितनी सीट है वो अभी कुछ कन्फर्म नहीं बोल सकते, लेकिन आउट ऑफ 150 सीट्स 30 या 50 सीट्स होने के चांसेस है यहाँ पे। अगर फीस स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे तो जो 6 ईयर का कोर्स है उसका फीस है 3,79,740 रुपीज़, और जो 5 ईयर्स का जो कोर्स है उसका फीस है 4,55,688 रुपीज़। ये फीस स्ट्रक्चर आपका एक साल का है, मीन्स के 5 साल का कोर्स है तो 4,55,000 के हिसाब से फीस रहेगी, और अगर 6 साल का कोर्स है 3,80,000 के आसपास की फ़ीस रहेगी रूबल में। ये जो फीस मैं बोल रहा हूँ वो रूबल में है, रूबल का जो रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्राइस कैलकुलेट करना रहेगा। और ये फीस आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डिपॉजिट करनी है, ना कि किसी के हाथ में देने की ज़रूरत है। और कज़ान फेडरल के रूल्स के हिसाब से 2 इंस्टॉलमेंट में भी फ़ी देने का प्रोविज़न दिया जाता है, वहाँ पे स्टूडेंट के पहुँचने के बाद, एग्रीमेंट साइन होने के बाद। तो ये चीज़ें आपको खास ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो जिस स्टूडेंट को भी एडमिशन लेना है कज़ान फेडरल के अंदर, या फिर जो अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर जिसने नीट लास्ट ईयर क्वालिफाइड किया है और कज़ान फेडरल के अंदर एडमिशन के बारे में सोच रहा है, तो उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके एग्ज़ाम दे देना चाहिए जो फर्स्ट वेव का हो रहा है वहाँ पे। बाद में कितनी सीटें बचेगी उसका कोई गारंटी नहीं रहता है, तो उसके लिए फर्स्ट वेव को जाने नहीं देना चाहिए हाथ से, और ये एग्ज़ाम आपको देनी चाहिए मेरे एडवाइस के हिसाब से। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, शायद आपको ये मेरा इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रहा है तो ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे की वीडियो का भी बेनिफिट मिल पाए। और अगर आपको ये अपने दोस्तों के लिए यूज़फुल लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।